तो अगर हम देखें एक ही क्लास के अंदर सेम इन्वायरमेंट के अंदर सेम टीचिंग मेथड के अंदर और टीचर भी सेम, लेकिन एक बच्चा जो है फर्स्ट आ रहा है और एक देखोगे लास्ट आ रहा है, एक बच्चा जो उसके कंसेप्ट जो बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं और दूसरी साइड देखें बच्चे के जो कंसेप्ट है पूरे डेवलप ही नहीं हो पाते और वो बच्चा पीछे रहता है, स्ट्रेस में आ जाता है, तो क्या कारण है इसके पीछे। सो आई एम हरप्रीत सिंह, आज हम इसी बात पे डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास कितने अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर और क्या हम सभी स्टूडेंट्स को एक ही मेथडोलॉजी से पढ़ा सकते हैं, अगर पढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं पढ़ा सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो यही आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर एक क्लास 40 स्टूडेंट्स की है तो क्या ये 40 के 40 एक ही तरह के होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे मैं कुछ की बात करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की अगर हम देखें, कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं जो ऑडियंस होते हैं। ऑडियंस स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको जो टीचर क्लास के अंदर लेक्चर मेथड से पढ़ा रहा है वो उससे भी समझ जाएंगे, क्योंकि उनके जो कान हैं जो वो सुनते हैं उन्हीं से उनको ज़्यादा समझ आती है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको इससे समझ आ जाए, लेकिन दूसरी साइड देखें कुछ बच्चे जो होते हैं वो विजिल्स होते हैं। सो विजिल्स आर द स्टूडेंट्स जो उनको लिखा हुआ दिखेगा, यानी कि जो आंखों से उनको दिखेगा, देखेंगे बोर्ड के ऊपर या कोई पिक्चर देखेंगे, कोई डिज़ाइन देखेंगे, कोई मॉडल देखेंगे, तो उसी से उनको समझ आएगा। सो ऐसे स्टूडेंट्स को आप बोलते हो विजिल्स। इसके साथ साथ अगर हम देखें थर्ड स्टूडेंट की कैटेगरी, दैट इज़ मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले क्लास में टीचर पढ़ाते हैं उनको पहले बड़े आराम से सुनेंगे, फिर उसके बाद उसको आप देखोगे आंखों से देखते हैं, दैट इज जो टीचर पढ़ा रहा है या कि पे लिखवा रहा है तो उसको देख के भी उनको समझ आएगा। तो पहले वो सुनेंगे, फिर उसको देखेंगे, उसके बाद वो उसको लिखेंगे। जब तक वो अपने हाथ से उसको लिखेंगे कॉपी के ऊपर तब तक उनको समझ नहीं आएगी। तो तीनों ही उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे बच्चे को सुनना पड़ेगा, उसके बाद उसको देखना पड़ेगा, फिर उसको लिखना पड़ेगा, तब जाके पूरा समझ आएगा। इसके अलावा कुछ बच्चे हमारे क्लास के अंदर ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं काइनेस्थेटिक्स। तो काइनेस्थेटिक स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके अंदर एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है, उनकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट्स होंगी तभी वो पढ़ पाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है। जैसे कि वो बच्चे पेन को टक टक करते रहेंगे या फिर अपने पाँव को टैप करते रहेंगे, अपने हाथ से पेंसिल को घुमाते रहेंगे, अपनी बॉडी को मूव करेंगे, जहाँ वो बैठ के नहीं पढ़ सकते उनको खड़े होकर पढ़ना पड़ेगा। सो ये भी एक तरह के स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे बड़े सारे स्टूडेंट्स होते हैं और हम टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को चुप करवा देते हैं, बिठा देते हैं, हाथ पकड़वा लेंगे, भाई ऐसा करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, जबकि दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ दैट स्टूडेंट, उसकी वो स्ट्रेंथ होती है, उसके बिना वो कर ही नहीं सकता। इसी तरह से फिफ्थ कैटेगरी हमारे पास आती है, दैट इज़ म्यूजिकल। तो म्यूजिकल जो बच्चे होते हैं उनका जो माइंड होता है वो किसी भी चीज़ को म्यूजिक में लेते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा वो म्यूजिक में इन्वॉल्व होते हैं वो उनको रिफ्रेश भी करते हैं और उनको उस चीज़ से मजा भी आता है। अगर वो पढ़ भी रहे तो शायद वो रिदम में पढ़ेंगे, गाना गा के पढ़ेंगे, लय में पढ़ेंगे या म्यूजिक लगा के पढ़ेंगे या छोटा मोटा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह टक टक करके पढ़ेंगे। तो किसी भी तरह के साउंड जो होती है वो उनको स्टिमुलेट करती है पढ़ने के लिए, यानी कि अगर उनकी स्पीड पढ़ने की कम है इससे उनकी बढ़ जाती है, अगर उनका पेशेंस बैठने का काम है, लेकिन अगर वो कान में गाने लगा के या छोटी सी कोई वीडियो लगा के कुछ सुनते हैं या टीवी लगाया हुआ है तो उससे उनकी जो बैठने की क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, मीन्स पेशेंस लेवल बढ़ जाता है, लेकिन जैसे उसको स्विच ऑफ करते हैं तो पढ़ाई बंद कर देते हैं। सो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको म्यूजिकल बोला जाता है। इसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं सॉलिटरी जो कैटेगरी बच्चों की है वो बच्चे होते हैं जो कि अलग रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा कि वो ग्रुप में नहीं पढ़ सकते, उनको जब भी पढ़ना उनको अकेले पढ़ना है। तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर एक क्लास के अंदर 6 घंटे बच्चा पढ़ रहा है तो वो एक ग्रुप में अगर नहीं पढ़ सकता तो वो क्लास में कैसे समझेगा, उसकी भी बात करेंगे एट द एंड, कैसे हम इन बच्चों को टैकल करेंगे। तो दे आर कॉल्ड सॉलिटरी। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इंट्रा होते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक्स होते हैं, वो सॉलिटरी होते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं दैट इज़ कॉल्ड आप सोशल बोल सकते हो। तो ऐसे बच्चे हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करेंगे, इनको डिस्कशन से ही ज़्यादा समझ आती है, तो अगर डिस्कशन नहीं होगी तो ये उतना ज़्यादा समझ नहीं पाते। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं 4-5 के ग्रुप में दूसरों से सुनते हैं, उनसे उनको ज़्यादा समझ आता है। इसी तरह से हमारे पास कुछ बच्चे होते हैं लॉजिकल। अब लॉजिकल स्टूडेंट्स कौन से हैं, इन बच्चों को भी टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये बच्चे तब तक लर्न नहीं कर पाते जब तक इनको उस
चीज का पूरा कंसेप्ट समझ नहीं आएगा जब तक ये अपने दिमाग के अंदर उस चीज की पिक्चर विजुलाइज नहीं कर लेंगे। उनको ये नहीं समझ आएगा भाई इसके पीछे कारण क्या था। तो ऐसे ज्यादातर बच्चे क्लास के अंदर क्वेश्चनिंग करते हैं टीचर भाई ये कैसे हुआ, और वो तब तक करते रहते जब तक उनके ब्रेन के अंदर उसका पूरा पिक्चर नहीं डेवलप हो जाता या पूरा सीक्वेंस वो चीज बन नहीं पाती। सो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो क्लास के अंदर टीचर को तो लगता है कि वो एक न्यूसेंस क्रिएट करें, लेकिन नहीं, वो लॉजिकल बच्चे हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट जोन में ला रहे होते हैं। अदरवाइज उनको गलत की प्रॉब्लम होती है कि वो रोट लर्निंग नहीं कर सकते। उनका कुछ भी लोगे लर्न करो तो जब वो देखते हैं उनको टेंशन हो जाती है कि उनको समझ नहीं आ रहा है ये क्या है, लेकिन जैसे उनको वो चीज़ समझ आती है तो अब वो उसको बिना देखे भी कर सकते हैं। सो ऐसे बच्चों को आप बोलते हैं दैट इज लॉजिकल। सो ये बच्चे भी हम देख सकते हैं। सो आपने देखा कि हमारे पास कितने अलग अलग तरह के बच्चे हैं। तो क्या एक टीचर जो होता है इतने सारे बच्चों को दिमाग में रख के क्लास के अंदर अपनी टीचिंग करते हैं या फिर मैथडोलॉजीज डेवलप करते हैं? कभी भी नहीं। बहुत कम होता है ऐसा कि हम सभी बच्चों को ध्यान में रख के ऐसा करें। तो हमेशा जब भी हम क्लास लेते हैं तो हम जब एक मैथडोलॉजी से बच्चे को पढ़ाते हैं, मान लो हमने सिर्फ लेक्चर मेथड से पढ़ाया तो सिर्फ और सिर्फ 30-40% बच्चों को समझ आता है। किन बच्चों को समझ आएगा? जो ऑडियंस होगी। इसलिए मॉड्यूल्स लॉजिकल ये सब बच्चे पीछे रहते हैं। तो हमारा रिजल्ट जब बच्चे जो एक्सेल करते हैं वो ऑडियंस कर जाते हैं और दूसरे रह जाते हैं। और अगर टीचर खाली बोर्ड पे लिख रहा है और कुछ नहीं रहा तो सिर्फ विजुअल्स जो बच्चों को समझ आएगा, यानी कि टीचर ने सिर्फ एक ही चीज को डेवलप किया। लेकिन अगर टीचर बोल भी रहे, लिख भी रहे और साथ में मॉडल की मदद से बता रहे और एक राउंड लगा रहे हैं पूरे अपने रूम के अंदर कि कौन सा बच्चा लिख रहा है कौन से नहीं लिख रहा, तो मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ये चीज़ समझ आ जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जब भी क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं तो हमें इन सभी बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि एक बच्चा जो एक्सेल कर जाएगा दूसरा बच्चा एक्सेल नहीं करेगा। और सबसे इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम टीचर्स को और हम पेरेंट्स को अपने बच्चे की स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा लॉजिकल है और आप उसको डेली मार रहे हो कि या फिर उसको पनिश कर रहे हो कि तू लर्न नहीं कर पा रहा, तो वो नहीं कर पाएगा, उस पर स्ट्रेस आ जाएगी क्योंकि वो लॉजिकल है, उसको चीज़ समझ होनी चाहिए और हम बिना समझाए ही उसको रट्टा रोड लर्निंग के लिए बोल रहे हैं। जहाँ फिर आपका बच्चा काइनेस्थेटिक है, वो बैठ के नहीं पढ़ सकता लेकिन हम उसको जबरदस्ती बिठा रहे हैं कि भाई आपको बैठ के ही पढ़ना है, जबकि वो अपना पेन टैप कर रहा है, तो आपको इरिटेशन हो रही है लेकिन उसको मजा आ रहा है। आप अपनी इरिटेशन को उसके ऊपर थोप रहे हो, भाई मुझे इरिटेशन हो रही तुम क्यों कर, तुमको क्यों नहीं हो रही, जबकि आपको आपके लिए जो इरिटेशन है उसके लिए अच्छा हो सकता है। जो आप कुछ ऐसा कर रहे हो वो बच्चे के लिए इरिटेशन हो लेकिन हम उसको नहीं छोड़ पाते। इसलिए हमें बच्चों के अकॉर्डिंगली चलना है, ना कि बच्चों के अपने अकॉर्डिंगली चलाना है। हमने अपनी टीचिंग जो है वो बच्चों के अकॉर्डिंगली करनी है, ना कि अपनी टीचिंग जो करके हैं वही हम बच्चों के ऊपर थोपनी है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर हम करते हैं, जैसे मैंने बोला काइनेस्थेटिक के साथ साथ म्यूजिकल बच्चे होते हैं, अब म्यूजिकल बच्चा है वो भी इस तरह से कुछ टैप करेगा, है ना, तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो लॉजिकल जो बच्चा है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो लॉजिकल बच्चा जो है उसको किस तरह से हम लॉजिक को सेटिस्फाई कर सकते हैं। वो तभी हो सकता है पॉसिबल एक अच्छा टीचर क्लास में पूरी तैयारी के साथ आएगा, विद टीचिंग एड के साथ आएगा। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर से जो डर है वो निकल जाएगा और हर एक बच्चे को चीज़ समझ आएगी। रही लास्ट सॉलिटरी एंड सोशल जो बच्चे हैं इनको किस तरह से टैकल करें, तो कोशिश करो अगर आपकी क्लास के अंदर ऐसे बच्चे हैं सॉलिटरी, तो आप उन सॉलिटरी बच्चों को क्या कर सकते हो, आप फर्स्ट डेस्क के ऊपर पढ़ा सकते हो, यहाँ पे सिर्फ टीचर्स उनको दिखे तो उनको लगेगा कि नहीं हम उनको लगे हम अकेले बैठे हुए हैं क्योंकि वो उसी में कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो इसलिए उनको लगे हम अकेले पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा करेंगे। और जो सोशल बच्चे होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अकेले हों चाहे ग्रुप में हों, तो उनको अगर आप पीछे बिठा दोगे तो उनको सारे दिखते रहेंगे, उनको लगे मैं अकेला नहीं बैठा हूँ ग्रुप में बैठा हूँ, तो वो उस तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज एक ही क्लास के अंदर आप एक बच्चे को अकेले नहीं पढ़ा सकते। तो अगर हम देखें तो इस तरह से अगर हम टीचिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि जो जितने बच्चे ये हैं क्लास में उनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसी तरह से अपनी टीचिंग को सेटिंग कर लेते हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ी सारी प्रॉब्लम जो है स्कूल्स की, हमारे बच्चों की, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस टाइम जो स्ट्रेस में बच्चे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा कि किस तरह से पढ़ रहे हैं, दूसरा बच्चा आगे क्यों निकल गया, इतना कंपटीशन है, ये सब चीज़ों से बच्चे बाहर आ जाएंगे। तो यही रहा। और अगर आपको लगता है कि ये जो बच्चों का स्ट्रेंथ वीकनेसेस नहीं पता चलता, तो आप पहले तो खुद इसको ट्राई कर सकते हो, बच्चों का पता करेंगे बच्चा किस चीज़ में खुश है,
किस तरह से पढ़ के वो खुश होते हैं। अगर नहीं तो इसके लिए DMIT दैट इज डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये एक टेस्ट होता है फिंगरप्रिंट्स का, इसके थ्रू भी अपने बच्चों का ये जो है आप पता करवा सकते हो। तो यही था आज का हमारा वीडियो, तो थैंक यू वेरी मच। और मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपको ये वीडियो कुछ फ़ायदे की लगती है, अगर फ़ायदे की लगती है तो आप इनको सब्सक्राइब करो, आगे सेंड भी कर सकते हो ताकि और बच्चों को और फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।